हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज सुबह हमने पढ़ लिया था प्रोटेस्टा किंगडम हमने पढ़ लिया था और फंगस के हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। तो अब हम उसके क्लासेस की बात करते हैं। तो देखिए क्लासेस जो फंगस की हैं, फोर क्लासेस ऑफ फंजाई, चार क्लासेस हैं। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको किस बेसिस में क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिस क्या है इसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले ये जो चार कैटेगरीज हैं इनको हमने उनके माइसीलियम के बेसिस पे, माइसीलियम जो होता है उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब कि वो कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कैसे कि किस किस चीज के बेसिस पे फंगस की फोर क्लासेस हैं, ये क्यों, किस किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। दूसरा हम बात करते हैं मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन किस टाइप का, या कैसे स्पोर्स बन रहे हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। सेक्सुअल स्पोर्स अलग होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स अलग होते हैं, तो उसके बेसिस में। थर्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो फोर्थ मतलब इनके बेसिस पे क्या, और जो फोर्थ था वो था कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूटिंग बॉडी पे मैं बताऊंगी, एस्को स्पोर एस्को कार्प हो गया, बेसिडियो कार्प हो गया। तो नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी या नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये चार बेसिस थे जिसमें हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है फंगस को। तो पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मैंने आपको बताया जो हाइफी है, हाइफी के जो एग्रीगेशन है उसको माइसीलियम कहते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन किस टाइप का होता है उसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, और नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है। अब इसके बेसिस पे यहाँ चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फाइगोमाइसीट्स, देन एस्कोमाइसीट्स, देन बेसिडियो माइसीट्स, एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरो माइसीट्स। तो फाइगोमाइसीट इज ऑल्सो नोन एज एल्गल फंगी, देन एस्कोमाइसीट सैक फंगस, बेसिडियो माइसीट इट इज नोन एज गिल फंगस और क्लब फंगस और ब्रैकेट फंगस आप बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम बर्ड नेस्ट फंगस भी बोल सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। एंड ड्यूट्रोमाइसिट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो व्हाई इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज यहाँ कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए यानी एक परफेक्ट स्टेज इसमें कभी नहीं आती है, इसीलिए इट इज नोन एज ड्यूट्रोमाइसिट। तो देखिए फाइगोमाइसीट इज नोन एज, आपको फाइको से याद रखना है, फाइको मींस मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्गी को कहते हैं माइसीट्स, देन एस्को यानी एस्कस यानी सैक बोरे जैसा स्ट्रक्चर मतलब, और बेसिडियो माइसीट में गिल फंगस हो गया, और ब्रैकेट फंगस हो गया, क्लब फंगस हो गया, या पफ बॉल फंगस, पफ जैसा होता है ऊपर, जैसे हम मशरूम की बात करते हैं तो एगारिका सीसी का ही पार्ट है, तो पफ बॉल फंगस भी हम इसको कह सकते हैं, पफ बॉल फंजाई। देन ड्यूटेरामाइसीट्स, तो ड्यूटेरामाइसीट्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की। तो फाइकोमाइसीट में कुछ चीजें, पहले तो हम फंगस की ही बात करते हैं कि फंगस में किस टाइप के ये होते हैं। तो देखिए एल्गल फंजाई हमने इसको कहा था, या मैं आपको माइसीलियम के बेसिस पे भी चीजें बताऊंगी, मैं आपको रिप्रोडक्शन के बेसिस पे चीजें बताऊंगी, और न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी चीजें बताऊंगी। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, ये तो सिंपल है, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये या तो पैरासिटिक होगा या ये सैप्रोफिटिक होगा। अगर हम उसकी बात करते हैं ये कि कहाँ पे ये रह रहे हैं, तो ये एक्वाटिक हो सकते हैं, ये शैडी प्लेस में, मॉइस्ट एंड डंप प्लेसेस में रह सकते हैं। फिर अगर हम इसमें मैं माइसीलियम की अगर बात करती हूँ, तो माइसीलियम यहाँ पे कैसा होता है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड नहीं है, और कैसा होता है, ये होता है
lactate and serocytic. Sinocytic. तो asepted and sinocytic का मतलब हो गया, जैसे ये अगर mycelium है तो ये mycelium इस तरीके से septa में divide नहीं है, और मतलब asepted है और having so many nucleus, तो so many nucleus का होना is known as sinocytic condition or syncytium nucleus, which is the characteristic feature of जो आप कच्चा नारियल की बात करते हैं, green जो coconut की बात करते हैं, तो उसमें जो liquid होता है उसका ये कोकोनट मिल्क, तो उसमें भी क्या होता है सिंसाइजियम न्यूक्लियस यानी सिनोसिटिक न्यूक्लियस यानी हैविंग मोर न्यू न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के बाहर सेल्स नहीं है, सेल वॉल नहीं है, मींस तो सेल वॉल नहीं है तो वो सेल नहीं बना है, तो वो फ्री न्यूक्लियस जो है. तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है इस तरीके से. तो ये है एसेप्टिक यानी एसेप्टेट और दूसरा सिनोसिटिक. देन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. रिप्रोडक्शन दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल में बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस के थ्रू होगा. तो यहां पे तीन स्टेजेस होती हैं. एक तो हो गया आइसोगैमस, आइसोगैमस, देन अन आइसोगैमस, एंड द लास्ट वन इज ओगैमस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस. आइसोगैमस का मतलब हो गया सिमिलर गैमेट्स, व्हेन द गैमेट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स. सिमिलर गैमेट्स जो होंगे जब वो आपस में फ्यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ मेल गैमेट एंड इट इज अ फीमेल गैमेट, तो दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे हैं, आप इसको आइसोगैमस कह सकते हैं. देन अनआइसोगैमस यानी डिफरेंट गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट गैमेट्स, डिफरेंट गैमेट्स के बीच में फ्यूजन का होना इज अनआइसोगैमस. एंड ओगैमस में क्या है, तो ओगैमस में भी डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, बट हियर इज द कंडीशन कि यहां फीमेल गैमेट इज बिगर देन मेल गैमेट. फीमेल गैमेट इज बिगर एंड नॉन मोटाइल, ठीक है. तो बिगर देन मेल गैमेट, देन मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होगा यहां पे मोटाइल भी होगा, फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होती है. तो ये तो तीन स्टेजेस किसकी हो गई हैं फाइकोमाइसीट में, कि रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल होगा तो वो इन तीन टाइप से हो सकता है, अनआइसोगैमस, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स. तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या हो सकते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे यहां पे हम बात करते हैं जू स्पोर्स एंड ए प्लानो स्पोर्स, यानी दे हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक वो जो चल सकते हैं, एक वो जो नहीं चल सकते. तो एसेक्सुअल स्पोर्स के मैं टाइप्स आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वन इज जू स्पोर्स. तो जू स्पोर्स कैसे होते हैं, ये इस तरीके से, हैविंग टू फ्लैजेला. इफ दे हैव फ्लैजेला देन दे हैव अ कैपेसिटी टू मूव, ठीक है. तो दे आर मोटाइल इन नेचर. तो जो जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, वाइल द ए प्लानो स्पोर्स, ए प्लानो स्पोर्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर, नॉन मोटाइल इन नेचर. तो एक बार मैं फिर बता रही हूं आपको, माइसीलियम एसेप्टेट होता है यहां पे और सिनोसिटिक होता है इस तरीके से, डिवाइड नहीं है. रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकते हैं. सेक्सुअल के ये तीन पार्ट हैं, एसेक्सुअल में दो स्पोर्स हो सकते हैं, जू स्पोर्स और ए प्लानो स्पोर्स. इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो राइजोपस एंड म्यूकर, जो आप ब्रेड मोल्ड कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ, राइजोपस म्यूकर एंड एल्बुगो. एल्बुगो, तो एल्बुगो ये क्या करता है, इट कॉज रस्ट इन क्रूसिफर्स. तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए एल्बुगो कैंडिडा रिस्पॉन्सिबल है. तो एल्बुगो कैंडिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर. भले ही रस्ट वाली डिजीज ये पैदा नहीं करते हैं, वो बेसिडियस स्पोर के अंदर आता है, बट ये अलग एक एक्सेप्शन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स. जो क्रूसिफर फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें ये व्हाइट रस्ट पैदा करता है. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप. नाउ एस्कोमाइसीट्स, इसके बाद आता है आपका एस्कोमाइसीट्स.
सीड्स को दूसरा नाम दिया जाता है सैक फंगस, एस्को माय सीड्स नोन एज सैक फंगस फंजाई। यहाँ पे कुछ चीजें आप नोट कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आ भी रखे हैं इससे, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन रखे हैं। सबसे पहले एस्कोमाइसीट में पहले मैं आपको फॉर्म्स बता देती हूँ इसकी, कि फॉर्म्स इसकी क्या क्या हैं। फॉर्म्स में इसमें एक है यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में सिर्फ आते हैं ईस्ट, क्वेश्चन बना है यहाँ से सिर्फ ईस्ट, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी ईस्ट किसके अंदर आता है, यूनिसेलुलर फंगस। देन मल्टी सेलुलर फंगस, तो बाकी अदर जो है वो मल्टी सेलुलर है। एनसीईआरटी जो डायग्राम वो बताती है इसमें एग्जाम्पल, वो पेनिसिलिन पेनिसिलियम का बताती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसी के बेसिस में अगर मैं इसमें बात करती हूँ न्यूट्रिशन की, यहाँ न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, तो न्यूट्रिशन में ये सेप्रो ट्रॉपिक हो सकते हैं, मरी हुई चीजों से खाना ले सकते हैं, ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, एंड ये कॉप्रो फिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मींस लिव ऑन काउडंग या लिव ऑन जो भी गाय या जो भी गोबर है किसी का उसमें हो सकते हैं, तो काउडंग इसमें ये रह सकते हैं, इससे ये खाना ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रो करेंगे, तो ये तीनों टाइप के हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस भी ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कि ये और रह कहाँ कहाँ पे सकते हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि मोस्ट स्टडी प्लेसेस, या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉप्रोफिलस भी ये हो सकते हैं, न्यूट्रिशन भी ऐसे करके ले सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं इसी में कि इसका माइसीलियम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि माइसीलियम के बेसिस में तो इनको डिवाइड किया ही है, तो माइसीलियम के बेसिस पे वहां हमने क्या बोला था इससे पहले फाइकोमाइसीट में, कि वहां सीनोसिटिक था और एसेप्टेड था, यहाँ पे कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच और क्या होगा यहाँ पे, यहाँ सेप्टेट होगा, तो ब्रांच एंड सेप्टेट, यानी इस तरीके से जो भी है, चाहे ये ब्रांच टाइप का है और ये भी इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बेसिस रिप्रोडक्शन भी था, तो रिप्रोडक्शन में भी फिर वही कि एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू कोनिडिया या कोनिडियोफोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी बताती नहीं है, क्वेश्चन आया है कोनिडिया के थ्रू किसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो पेनिसिलियम में कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। पेनिसिलिया से दवाई निकाली गई थी पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी, और इसको क्या कहते हैं, वंडर ड्रग कहा गया इसको, सबसे पहली एंटीबायोटिक ये थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो थ्रू सेक्सुअल स्पोर्स विच आर, जिसके बेसिस पे हमने इसका नाम एस्कोमाइसीट्स रखा है, यानी एस्को स्पोर्स, तो वो सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, वो है एस्को स्पोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, मैं आपको ये चीज बता दूं, इसमें होते हैं ये एस्की एस्की, देन ये एस्को कार्प, ये इधर एस्को कार्प, एंड देन इसके अंदर एस्को स्पोर्स, एस्को स्पोर्स, ठीक है। एस्की तो इस तरीके से बहुत सारे ये एस्की होंगे, ये इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एस्की होंगे, एस्की देन एस्को कार्प एंड देन एस्को स्पोर्स। अब उसके बाद कि ठीक है, ये है क्वेश्चन यहीं से याद रखा है आपके पास, कि कौन सा ऐसा है, कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई ऐसा है जिसमें जिसके एस्की है, जिसके सैक में 8 एस्को स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 8 एस्को स्पोर्स प्रेजेंट इन इट्स सैक, क्वेश्चन बना हुआ है यहां से, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका यहां से, क्वेश्चन यहां से आपका बना हुआ है, इसमें क्वेश्चन आपके पास ये ईस्ट वाला जो है यहां से आपके पास क्वेश्चन बना है, और माइसीलियम से तो बहुत बार इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ कि एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए सबसे पहले एक आपने सुना होगा एस्परजिलस, जो डिजीज पैदा करता है इन्फेक्शियस या कॉज इन्फेक्शन, मैं इन्फेक्शियस ही लिख दे रही हूँ, ये हमारे अंदर डिजीज पैदा करता है, ये प्लांट्स में डिजीज पैदा कर सकता है, ये एनिमल्स में डिजीज पैदा करता है, एस्परजिलोसिस आपने सुना भी होगा, ठीक है। सेकेंड है आपके पास न्यूरोस्पोरा, वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन
किसका है? एग्जामिनर का, न्यूरोस्पोरा। यहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं। इट इज नोन एज अ ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला इसको कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम? आपको पता है ड्रोसोफिला पे जो जो हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वैसे ही जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो ड्रोसोफिला में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो क्योंकि जेनेटिक रिसर्च का वो एक फेवरेट टॉपिक है, तो वैसे ही कहा जाता है कि न्यूरोस्पोरा में जेनेटिक रिसर्च सबसे ज्यादा की जाती है। मतलब ये जो रिसर्चर्स हैं, जेनेटिक रिसर्चर्स, उनका वन ऑफ द फेवरेट टेस्टिंग मटीरियल या रिसर्चिंग मटीरियल ये कहा जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक रिसर्च में मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, जेनेटिक रिसर्च, रिसर्च। आप जो नोट्स बनाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्लेविसेप, क्लेविसेप हो गया। तो ये तो इसके एग्जांपल हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल दो मोरल्स, देन बफल्स एंड ट्रफल्स। ट्रफल्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट दीज आर द ईडेबल एस्कोमाइसीड्स, ईडेबल एस्कोमाइसीड्स। इसके साथ ही साथ आप एक और इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे जो मैंने किया है, ये पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम भी आप करेंगे, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको, यूनिसेलुलर में ईस्ट ही होगा, मल्टीसेलुलर में तो कुछ भी ले सकते हैं आप। माइसिलियम याद रखिएगा ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, इसके बाद भी माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट ही आएगा। देन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये तीन टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया या कोनिडिया 4 के थ्रू होगा। जैसे पेनिसिलियम आपको पता ही है इस तरीके से होता है ना डायग्राम, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये तो कोनिडिया है, ये इसके थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू? एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स की वजह से इसका नाम एस्कोमाइसीट्स रखा है। अब इसके बाद जो क्लास में बताने जा रही हूँ वो है बेसिडियोमाइसीट्स, तो बेसिडियोस्पोर्स की वजह से उसका नाम बेसिडियोमाइसीट्स रखा है, ठीक है। और फिर आपको ये याद रखना है न्यूरोस्पोरा जरूर याद रखिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आपका बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स आर नोन एज गिल फंगस या गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स आप इनको बोल सकते हैं, पफ बॉल्स या परफेक्ट फंजाई। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे नाम है, बर्ड नेस्ट फंजाई भी इसको बोलते हैं, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें देखिए बेसिडियोमाइसीट में हम क्या कहते हैं, यानी यहाँ जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स या जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे बेसिडियो कार्प। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन मैं नहीं बता रही हूँ आपको, न्यूट्रिशन पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक होगा जो होता ही है मैक्सिमम फंगस में जो होता है। माइसीलियम की हम बात करते हैं, देखिए माइसीलियम, माइसीलियम इसमें भी कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो अब यहां से आपको क्या चीज समझ आई, आपको ये चीज समझ आई कि सिर्फ फाइगोमाइसीट में कैसा होंगे, जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होगा, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन यहां पे देखिए वेजिटेटिव तो होगा थ्रू फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन, देन एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट, एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट, इसीलिए इट इज नोन एज परफेक्ट फंजाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती ही नहीं है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें देखिए पहले या तो चलिए ये मैं बताती हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। नाउ अब यहां समझिए, यहां सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो यहां हम ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमेटोगैमी, सोमेटोगैमी मैंने आपको
ये क्वेश्चन में भी सॉल्व कराया था कि व्हाट इज सोमेटोगैमी, स्पर्मिएशन क्या होता है, सोमेटोगैमी क्या होता है, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो ये चीजें मैंने आपको उसमें भी बताई थी। तो सोमेटोगैमी मीन्स क्या है कि फ्यूजन ऑफ सोमेटिक हाइफीज जो है उनका फ्यूजन होगा और उसी से ही क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, यानी दे नेवर सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीज आपको याद रखनी है। देन उसके बाद कि इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आपके पास क्या आएंगे, तो देखिए सबसे पहले एगारिकस यानी ईडेबल मशरूम, तो जो मशरूम है आप उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, आप उसको बेसिडियो माइसीड की कैटेगरी में रखेंगे इडेबल मशरूम। सेकंड, इसी में ही रस्ट फंगस और स्मट फंगस आती है, तो हम रस्ट फंगस की बात करते हैं, पक्सीनिया ग्रामिनिस कैसे होता है, पक्सीनिया रस्ट फंगस है। एनसीईआरटी सिर्फ इतना बताती है बट मैं आपको बता देती हूँ, इससे क्वेश्चन भी आया है, कॉज ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, और कौन करता है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, याद रखिएगा ग्रामिनिस। देन एस्टिलैगो इज ए स्मट फंगस, लूज स्मट ऑफ वीट, तो कॉज लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां ये होता है, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि कौन सा ऐसा स्मट है जो किसके थ्रू ट्रेवल करता है, ये किसके थ्रू जाता है, तो ये सीड के थ्रू भी, मान लीजिए कि एक पेरेंट प्लांट जो है उसमें लूज स्मट ऑफ वीट का जो प्लांट है, लूज स्मट डिजीज उसमें हो रखी थी, तो उसके सीड के थ्रू क्या होगा, वो उसके प्रोजेनी प्लांट में भी चला जाएगा, जो प्रोजेनी प्लांट होगा वो भी इसको शो करेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए गिल फंगस, ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल या परफेक्ट फंगस कहते हैं, परफेक्ट इसलिए कहते हैं, पहले पफ बॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस शेप का होता है ऐसा, तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देन परफेक्ट फंगस इसलिए क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, माइसीलियम जरूर याद रखिएगा कि वो कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए परफेक्ट फंगस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेसिडियो स्पोर्स। ओके, एक चीज और, बेसिडियो स्पोर की जहां बात आई गई है, देखिए ये हो गया बेसिडियम जो मैंने उसमें बताया था इस तरीके से, बेसिडियम ये, देन बेसिडियो कार्प एंड बेसिडियो स्पोर्स इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिडियो स्पोर्स की वजह से इसका नाम बेसिडियो माइसीड्स रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे बट सोमेटोगैमी के थ्रू यहाँ पे ये हो जाएगा। एक और चीज जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी कि डायकैरियोफेज सिर्फ किसमें आता है, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, तो यहाँ सोमेटोगैमी होगी देन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग डायकैरियोफेज, इसके बाद डायकैरियोफेज आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, एगारिकस, पक्सीनिया और एस्टिलैगो। नाउ द लास्ट क्लास ऑफ फंगस इज ड्यूट्रोमाइसीड्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंगस, ड्यूटेरोमाइसीड्स known as imperfect fungus. Why it is known as imperfect fungi or fungus? Because it devoid sexual reproduction. इसमें sexual reproduction नहीं होता कभी भी। अगर ये sexual reproduction show करने लगता है तो इसको ascomycetes या basidiomycetes या phycomycetes में से किसी category में डाल दिया जाता है, but उसके बाद अगर इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया तो ये ड्यूट्रोमाइसीट कैटेगरी का मेंबर बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे सिर्फ कौन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो अब यहाँ पे यानी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता होगा, यानी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाता होगा, तो ये भी ऐसा ही करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। तो ये याद रखिएगा, कोनिडिया हमने दो जगह में पढ़ लिया, कोनिडियोफोर पेनिसिलियम एस्कोमाइसीट की कैटेगरी हमने पढ़ी,
दूसरा हमने यहाँ इसको पढ़ा कि कोनिडिया, जबकि फाइबोमाइसिट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक मोटाइल और नॉन मोटाइल, क्या जो गैमेट्स हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो उसमें क्या बताया आपको, जूस्पोर्स एंड देन ए प्लैनोस्पोर्स, ठीक है। यहाँ आपने कोनिडिया के थ्रू करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, बहुत अच्छे डिकम्पोजर इनको कहा जाता है, और ये न्यूट्रिएंट साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट साइकिल में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल को अच्छा बना के रखते हैं, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल जो चलती है उसमें भी ये क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल उसमें चलेगी उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल अगर यहाँ बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा देन क्वालिटोट्राइकम ठीक है, एंड अल्टरनेरिया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ड्यूटेरोमाइसिट में आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि इम्परफेक्ट फंगस है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं दिखाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, यानी कोनिडिया के थ्रू होता है। डिकम्पोजर्स ये अच्छे वाले डिकम्पोजर्स हैं, इनके साथ ही साथ एस्कोमाइसिट में, मैंने वहां पे आपको मैं बताना भूल गई, एस्कोमाइसिट भी अच्छे डिकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको खाने के पर्पज के लिए यूज नहीं करते, खाने के पर्पज के लिए सबसे ज्यादा बेसिडियोमाइसिट्स यूज किए जाते हैं, और उसके बाद जो एस्कोमाइसिट्स हैं, तो एस्कोमाइसिट्स में सिर्फ तीन कैटेगरी, मोरल्स, बफल्स एंड ट्रफल्स, तीन चीजें हैं जो यूज की जाती हैं। ये याद रखिएगा कि जो डाइकैरियोफेज दिखाते हैं सिर्फ वही क्लास ऑफ फंगस हम खाने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसके अलावा हम कोई और फंगस खाने के पर्पज के लिए यूज नहीं करते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इसके बाद आपके पास है दो चीजें, हमने आरएस विटेकर की क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटेस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया। अब प्लांटी की बात करते हैं, तो किंगडम प्लांटी जो आपके पास इसमें थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है आपके पास, क्योंकि इसका पूरा एक नया चैप्टर आपने पढ़ना है। किंगडम प्लांटी, प्लांटी में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, किसकी, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, नो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट ये नहीं शो करेंगे, मूवमेंट मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। थर्ड चीज कि इनके पास जो स्टोर फूड है, वो स्टोर फूड इनके पास क्या है, इनके पास स्टार्च है एज ए स्टोर फूड, ठीक है। नेक्स्ट, दे शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि कभी तो ये डिप्लोइड फेज शो करेंगे, यानी स्पोरोफिटिक फेज ये शो करेंगे, और कभी ये हाइप्लोइड फेज शो करेंगे, यानी गैमेटोफिटिक फेज ये शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब कभी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, इस तरीके से चेंज करते रहते हैं फॉर्म को, तो इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हम नहीं कर सकते, जो एनिमल्स नहीं कर सकते, इनपे कैरेक्टर्स ये है, ठीक है। तो हमारे टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमारी बॉडी में ये होगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं हम, तो यहाँ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो हार्मोनल एक्शन के थ्रू ही इनकी बॉडी में काम चलता है। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में देखिए, सेल वॉल अब्सेंट है, शोज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन ये शो करेंगे। स्टोर फूड जो इनकी बॉडी में होगा वो क्या होता है, ग्लाइकोजन और फैट। हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर फूड ग्लाइकोजन या फैट, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये होगा। और दूसरा कि दे शोज गुड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू, सेंसरी मोटर, इनके पास सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स जो इनके पास प्रेजेंट है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू। और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू, तो ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स हार्मोन्स का दोनों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही चलता है। तो इसमें इतना ही है, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी, इसको पूरा जो चैप्टर हम करेंगे इनको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है चैप्टर, तो उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें अब लास्ट चीज जो आ रखी है वो है वायरस, तो इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो इसका स्क्रीनशॉट तो शायद लेने की जरूरत है नहीं वैसे। Then your last topic, virus. देखिए virus, viroids,
प्रियॉन्स, प्रियॉन्स सबके पास नया ऐड हुआ है, और एक वायरॉन पे क्वेश्चन आ रखा है नहीं आपके पास, बट क्वेश्चन आ रखा है तो मैं करा ही देती हूँ। वायरॉन्स, ठीक है। तो वायरस में देखिए, सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। ये है इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आपके पास आता है कि किसको आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मानते हैं, वायरस को, इसीलिए इसको विटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि ये इसको जिंदा मानूं या इसको मरा हुआ मानूं, क्या मानूं इसको। तो देखिए, लिविंग क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी, अपना रेप्लिकेशन आप बोल सकते हैं, ये अपने नंबर्स ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग, ये नो रेस्पिरेशन, ये सांस नहीं लेते। सेकंड, इनर्ट आउटसाइड होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर ये कैसे हैं, ये होते हैं इनर्ट। लिविंग में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन ही, आप कह लीजिए रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, इनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स भी आप इसमें कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म की मैं बात करती हूं कि मैकेनिज्म ऑफ वायरल इंफेक्शन, ये क्या करता है। सबसे पहले मान लीजिए ये होस्ट है, ये होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, एंटर, ये होस्ट है। अब उसके बाद इसने क्या करना है, इसकी मशीनरी को इसने यूज करना है, यूज होस्ट मशीनरी, होस्ट की मशीनरी को ये यूज करेगा और मेक देयर डिफरेंट कॉपीज, मेक डिफरेंट कॉपीज, यानी प्रोजेनीज आप बोल सकते हो, डिफरेंट कॉपीज या प्रोजेनीज। और उसके बाद इन प्रोजेनीज को क्या करेगा, होस्ट के एक सेल के अंदर अगर इसने इन्फेक्ट किया है, तो ये उसके पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स में धीरे धीरे करके इन्फेक्शन क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया, वायरल एक्शन का मैकेनिज्म। अब है ये डिजीज कौन सी प्रोड्यूस करते हैं, तो डिजीज जो ये प्रोड्यूस करते हैं, फ्लू या कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया कि जैसे नेम वायरस किसने दिया, नेम वायरस गिवन बाय, मैंने आपको पहले भी बताया था, बाय पास्टर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इवानोस्की, डीजे इवानोस्की थे, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने डिस्कवर किया था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको लीव्स को खराब करता है, ऐसा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, इन्होंने वो किया था। और इसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज बताई थी कि मतलब जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया था। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और थे, एक थे बेंजरनिक ने क्या किया था, इन्होंने एक टर्म दिया था कॉन्टैजियम वाइबम फ्लूडियम, तो टर्म दिया था कॉन्टैजियम वाइबम फ्लूडियम। तो ये क्या टर्म इन्होंने, क्यों, कैसे दिया इन्होंने टर्म, तो ये टर्म देने के पीछे इनका कुछ मकसद था या कुछ एक कारण था इसके पीछे, वो ये था, इन्होंने क्या किया था, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इन्होंने एक अनहेल्दी प्लांट से के लीफ का एक्सट्रैक्ट लिया, उसका घोल बनाया, और बनाने के बाद इसने जो हेल्दी प्लांट्स थे उनकी लीव्स में इसने उस घोल को लगा दिया। कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा कि वो जो हेल्दी प्लांट्स की लीव्स थी, वो लीव्स भी क्या हो गई, वो धीरे धीरे उनपे भी इन्फेक्शन होने लगा। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो वायरस है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जब इवानोस्की ने ही टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया, तो उसी टाइम पे एक चीज और पता चली कि वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस, यही से मैं बता रही हूं, वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि अगर जैसे कोई फिल्टर पेपर, मैं सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज कर रही हूं, यानी उसमें कुछ पोर्स हैं और मैंने ऊपर से बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट डाला, तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएंगे और पानी या जो भी है उसमें मीडिया, वो नीचे चला जाएगा। बट अगर वायरस छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, तो ये क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर जो है, तो बैक्टीरिया तो बड़ा था वो तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन वायरस अगर उससे छोटा है तो वो नीचे एक्सट्रैक्ट में आ जाएगा। तो इससे ये चीज भी पता चली। और एक लास्ट था, स्टेनली थे, WM, तो यहां याद रखिएगा एम डब्ल्यू बेंजरनिक, और यहां मैं लिख रही हूं
डब्ल्यू एम स्टेनली। तो डब्ल्यू एम स्टेनली इन्होंने क्या चीज बताई थी, इन्होंने कहा था मतलब इन्होंने क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर दिया था किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो गेव क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। एनसीईआरटी ये नहीं बोलती कि किसके बारे में बताया, क्वेश्चन आ रखा है इससे, ठीक है, कि डब्ल्यू एम स्टेनली गिव्स अ क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्होंने ये दिया था। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज में देखिए, बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, ये हो गया हेड, फिर यहां पे हो गया कॉलर, ये यहां कॉलर, ये हो गया सीथ, और ये हो गए टेल्स। चार चीजों से मिलकर बना होता है, हेड, कॉलर, सीथ और टेल्स। वायरस में मैं आपको ये चीज बता दूं, वायरस में ये होता है प्रोटीन कोड, ठीक है, ये बना होता है प्रोटीन से। तो वायरस सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनाया है और अंदर उसमें जेनेटिक मटीरियल है। यहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये याद रखिएगा। बैक्टीरियोफाज में, बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, बैक्टीरियोफाज में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, बैक्टीरियोफाज में इकोलाई में पूछा जाता है, बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इकोलाई में डीएनए नहीं होता, ठीक है। और तो ये जो टेल है ये लैंडिंग के उस पर काम करती है। बैक्टीरियोफाज का नाम बैक्टीरियोफाज क्यों है, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फाज मींस ईटर, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, इज नोन एज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आपका आ जाता है। फिर उसके बाद आपका नाउ वायरॉइड, वायरस डिवॉइड प्रोटीन कोड, ऑइड से डिवॉइड याद रखिएगा, प्रोटीन कोड, जिसके बाहर प्रोटीन नहीं है। बट ये क्या करते हैं, कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, प्लांट्स ओनली, प्लांट्स में ही ये डिजीज पैदा करेंगे। एक चीज और बता दूं, क्योंकि इनके बाहर प्रोटीन कोड नहीं है तो लो मॉलिक्यूलर वेट इनका है, क्वेश्चन बना हुआ है यहां से, लो मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है। और आप क्या कह सकते हैं कि फ्री आरएनए, फ्री आरएनए, फ्री नेग्ड आरएनए इसमें है, नेग्ड भी कर सकते हैं, फ्री नेग्ड आरएनए को ही हम क्या बोल रहे हैं, वायरॉइड कह रहे हैं। और वायरॉइड प्लांट में डिजीज पैदा करता है। तो पोटैटो स्पिंडल डिजीज देखी गई थी एग्जांपल, यहां पोटैटो स्पिंडल डिजीज। नेक्स्ट इज पायरॉन्स, अगर हम पायरॉन्स की बात करते हैं तो पायरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं अनफोल्डेड या इरेगुलर फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या होते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन्स। तो यहां क्या होगा, यहां तो देखिए प्रोटीन नहीं था, यहां सॉरी अनफोल्डेड नहीं, एबनॉर्मली फोल्डेड, एबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड होते हैं ये एब, चलिए मैं इसको इधर ही लिख देती हूं, पायरॉन्स फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये देखा गया है कि ये हमारी बॉडी में ज्यादातर न्यूरल डिजीज ये पैदा करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल डिजीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल डिजीज, एग्जाम्पल आपने सुना होगा बीएसई डिजीज, बीएसई बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसेफेलोपैथी, इनसेफेलोपैथी, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी मैड काउ डिजीज इन कैटल, मैड काउ डिजीज इन कैटल, कैटल के लिए। और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये यहां इसको प्रोड्यूस करता है। या ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो इन ह्यूमन क्राई सी आर करते हैं, क्राई जैकॉब डिजीज, क्राई जैकॉब डिजीज,
ह्यूमन में ट्राई जैकॉब डिजीज प्रोड्यूस करता है। आप इनसेफेलोपैथी से आप समझ ही रहे होंगे, यानी ये क्या है, ये कुछ ब्रेन से रिलेटेड बात ये कर रहा है, तो इनसेफेलॉन वाले रीजन की ये बात कर रहा है, तो ये उसी के लिए कहा जाता है। एक लास्ट आपके पास वायरॉन है, तो वायरॉन से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ वायरॉन भी क्या है। वायरॉन को आप ये कहेंगे कि ये किसी भी, जैसे जो होस्ट है, ये होस्ट के बाहर कंप्लीट तरीके से क्या होता है, ये लगा हुआ होगा, मतलब होस्ट के बाहर लगा हुआ होता है। तो देखिए इसमें कि यहां हम क्या बोलेंगे, तो कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट होस्ट के बाहर कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस के होगा, तो आप ये कह सकते हैं एन इनर्ट वायरस आउटसाइड होस्ट। जब तक ये किसके अंदर नहीं गया, इनर्ट वायरस आउटसाइड होस्ट, तो होस्ट के बाहर ये इनर्ट वायरस होगा। तो देखिए आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा वायरस क्या चीज है, ये ट्रांजिशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, और ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, तो इनके बाहर तो क्या होता है, मैं इस तरीके से ही बना देती हूँ। चलिए कि क्या मैंने, चलिए यही बना दिया मैंने ऐसे कि बाहर इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोड होता है, और अंदर इसमें जो भी जेनेटिक मटीरियल इसमें पाया जाता है वायरस के बाहर। एक चीज और बता दूं, प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है, कैप्सिड। कैप्सिड जो किससे मिलके बना होता है, कैप्सोमर्स। कैप्सिड होता है किन सब यूनिट से मिलके बना है, कैप्सोमर्स सब यूनिट से मिलके बना है, तो वायरस तो ये है। वायरॉइड की बात करते हैं, तो एक ऐसा वायरस जिसके बाहर प्रोटीन कोड नहीं है, तो फिर क्या है उसके पास, उसके पास सिर्फ जो नेप्ड आरएनए उसके पास है। तो ये डिजीज पैदा किसमें करते हैं, सिर्फ प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, और क्योंकि इसके बाहर प्रोटीन नहीं होता, आपको पता है प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की, जब हम बोलते हैं अमीनो एसिड जब अरेंज होते हैं और 10,000 डाल्टन से ऊपर का उनका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, देन दे आर नोन एज प्रोटीन्स। तो यानी प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हुए, इनके पास प्रोटीन नहीं है तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। क्वेश्चन बना है यहां से, पोटेटो स्पिंडल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। पायरॉन्स क्या है, ये हम पे दिमाग वाली डिजीज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, प्रोटीन ही प्रोटीन है बस, अब डीएनए आरएनए से मतलब नहीं है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, और न्यूरल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनसेफेलोपैथी या मैड काउ डिजीज इन कैटल। और हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्राई जैकॉब डिजीज। और उसके बाद वायरॉन्स की बात करते हैं, तो वायरॉन्स क्या है, एक होस्ट सेल है, मान लीजिए ये होस्ट सेल था, अब होस्ट सेल के बाहर वायरस जो भी है इस तरीके से कैसे भी कंप्लीटली असेंबल्ड अगर हो गया है, बट अभी अंदर नहीं हो गया है, अभी सिर्फ असेंबल्ड हुआ है, तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव है अभी वो, क्योंकि होस्ट की बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायरॉन्स। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी पूरी। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा शायद, और बेल आइकॉन भी आपने दबा दिया होगा। तो आज के लिए थैंक यू।